हम हनुमत रुद्रात्म का हूँ भट्ट। ए हनुमान 12 बरस का जवान, हाथ में लड्डू भोग भगवान, हाँक मारता बवाल में, वे भक्ति गुरु की शक्ति फ्रो मंत्री स्रो आचा। गुरु गुरुदेव लोगों, एक बात बताऊं, जो आप बार बार नई नई सिद्धियों करने की बात कर रही है ना, करते हैं ना, जो भटकी मत। और जो आप लोग बसीकरण सिद्धि मांग रहे हैं ना, मुझे लालच दे रहे हैं, वो भी बंद कर दीजिए, क्योंकि वो मैं कभी नहीं दूंगा। जैसे आप हजारों लाखों का लालच दे रहे हैं ना बसीकरण सिद्धि के लिए, वो नहीं दूंगा, क्योंकि आप इससे किसी और का जीवन बिगाड़ सकते हैं और बिगाड़ रहे हैं। मैंने कई लोगों के बारे में पता किया है, आप लोग भले ही मुझे ना बताएं, लेकिन मेरी शक्ति इतनी ज़्यादा है कि मैं आपके बारे में पता लगा सकता हूँ, इसीलिए मुझको नहीं चलाएं। 3-4 लड़कों का फ़ोन आ चुका है, लड़कियों का मैंने देखा है, इस विषय में अलग अनुभव रहा है मेरा। वो अपने पति के लिए करती हैं जी ज़्यादातर बस में, ताकि वो दूसरी औरत के चंगुल से निकल के बाहर आ जाए। लेकिन जो लड़के होते हैं वो लड़कियों को बस में करने के लिए करते हैं। कुछ उनमें से ऐसे भी मैंने निकाला उनका, कि वो लोग ऐसे हैं कि वो अपनी वो शादीशुदा भी हैं, वो दूसरी लड़की को बस में करने के चक्कर में लगे हुए हैं, हरामखोर। तो मैं नहीं दूंगा इन बसीकरण मंत्रों को, जबकि मेरे पास इसकी विशेष विद्या है, जो शायद और लोगों के पास नहीं है। लेकिन ये विद्या गुरु ने इसीलिए मुझे दी है कि उनको ये मालूम था कि मैं इसका दुरुपयोग नहीं करूँगा। कैसी विद्या है मालूम है? बताता हूँ, बसीकरण तंत्र कितना ज़बरदस्त होता है। सामने आदमी खड़ा हुआ है कोई भी, और हमने वो मंत्र पढ़ा केवल 3 बार मन ही मन में, और यूँ करके उसकी तरफ यूँ देख लिया, बस हो गया बस में। ऐसी विद्या है, उसकी काट भी सीखनी पड़ती है। फिर लोगों को काट नहीं आती इसकी, मैंने काट भी सीखी। फिर बसीकरण काटा कैसे जाता है? सबसे खतरनाक सावरी कामाख्या मोहिनी होता है, जिसका कोई तोड़ नहीं है संसार में। उसको जो करना जानेगा वही इसको काटना भी जानता है, और अगर काटना उसने नहीं सीखा तो वो खुद बर्बाद भी होगा, औरों को कईयों के जीवन को बर्बाद कर देगा। वो कामक्का सावरी मोहिनी विद्या बहुत खतरनाक होती है, और ये लोनाच हमारे इनकी खुद की विद्या थी। ये बहुत बड़ा नाम होता है सावर तंत्र में, लोनाच हमारे, तो उसकी चलाई हुई, उसकी निकाली हुई खुद की विद्या थी ये सावरी कामक्या मोहिनी। ये यूट्यूब पे मैंने कहीं भी नहीं देखी ये आज तक, यहाँ तक कि मैं तांत्रिक हजारों तांत्रिकों के ग्रुप में पढ़ा हुआ हूँ, उसमें भी नहीं है ये। और फिर मैं समझ गया, वो आज सही कह रहे थे गुरु, कि ये किसी के पास नहीं है, और ये अगर तुझे दी जा रही है तो ये इसलिए दी जा रही है कि तू उसका दुरुपयोग कभी नहीं करेगा, केवल जान बचाने के लिए, या कोई मर्द कोई बर्बाद हो रहा हो उसको बचाने के लिए करेगा केवल। ये मैं बहुत कम करता हूँ, इसका अनुष्ठान भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन अचूक हमारे इस ब्रह्मांड में इतनी तगड़ी तगड़ी शक्तियाँ डोल रही हैं, वो हमारे ऊपर होता है। हमारी विल पावर, हमारी मन की शक्ति कितनी है कि उन शक्तियों को कैसे कैच करती है वो। मंत्र का जो विज्ञान है ना, उसके बारे में मैं आपको इतनी बारीक जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन वो आपके समझ में आए तब है। मुझे मालूम है यहाँ पर बहुत, मतलब इन सब साइटों पर, मतलब सोशल मीडिया पर बहुत एक से एक बुद्धिमान व्यक्ति आता है, बुद्धिमान एक से एक ज्ञानी होता है। ढोंगी तो होते हैं, लेकिन ज्ञानी भी बहुत है यहाँ पर, जो जानते हैं मंत्र तंत्र के बारे में, इस विद्या को जानते हैं। क्या है ये विद्या? हमारे मन का जो संबंध होता है, जो ईथर से होता है, ब्रह्मांड में जो व्याप्त पदार्थ ईथर है, उससे हमारे मन का संबंध जब बनता है, और जब हम ध्यान से उस मंत्र का जाप करते हैं, ब्रह्म में ध्यान लगा करके, मतलब यूं, और एकाग्रता, जितनी ज़्यादा एकाग्रता होगी मंत्र की गति उतनी तेज होगी, क्योंकि उतनी ज़्यादा ऊर्जा बनती है। जैसे आप देख रहे हैं ना, जो डीजल के इंजन थे उससे बिजली का इलेक्ट्रिक इंजन ज़्यादा तेज़ निकले, इससे ज़्यादा फिर हाई पावर सोनिक इंजन बनेंगे आगे चल के, उससे ज़्यादा फिर परमानेंट ऊर्जा वाले बनेंगे। आज से 100 साल बाद आप देख कह रहे, आप तो जिंदा नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, आज से 100 साल बाद सोनिक ऊर्जा के इंजन होंगे। जैसे आप दिल्ली अभी यहाँ, मतलब आप जैसे दिल्ली से बैठे अभी, और आपको 10-15 मिनट लगेंगे आप बॉम्बे पहुँच चुके होंगे, ऐसा। थोड़ा सा आगे तक मैं देख सकता हूँ भगवान कृपा से,
पृथ्वी के बारे में भी थोड़ी सी भविष्यवाणी कर सकता हूँ, थोड़ी सी ब्रह्मांड के बारे में कर सकता हूँ। जैसे पृथ्वी पर दूसरे लोक के जीव आ चुके हैं इस समय दूसरे ब्रह्मांड से और रह रहे हैं इस समय, और ये शायद वैज्ञानिकों को भी नहीं मालूम होगा, कन्फर्म पूरा अंदाजा होगा, कन्फर्म नहीं मालूम होगा। तो मित्रों इस चीज़ में मैं आपको बताता हूँ, ये पदार्थ धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी ऊर्जा बढ़ती है वो पदार्थ ऊपर की तरफ जाता जाता है ब्रह्म से मिलने के लिए, ब्रह्मांड का भेदन करने के लिए। और जैसे जैसे हमारा दिमाग स्थिर होता जाता है और ध्यान पक्का होता जाता है, वो ब्रह्मांड वो पदार्थ ऊपर जाने जाता है। ऋषि मुनि पागल नहीं थे, उन्होंने मंत्रों की एक निश्चित संख्या क्यों रखी? आप सोच रहे होंगे ऐसे तो वो कह रहे थे जितना कर सकते हो करते जाओ करते जाओ, ऐसा कह सकते थे वो हर मंत्र के विषय में? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? उनको ये मालूम था, ज्ञात था, वो नोन थे अबाउट दिस मैटर के जैसे जैसे ये पदार्थ की जैसे जैसे हमारी जाप की संख्या बढ़ती जाएगी, एक नियम से एक टाइम होगा, एक पीरियड होगा और एक संख्या होगी, उस संख्या के बाद वो ब्रह्म से जाके मिल जाएगा। समझ गए आप? समझिए इसको, एक विज्ञान है। हम हिंदुस्तानी इसमें पीछे रह गए और अंग्रेज लोग इसमें आगे निकल गए। अंग्रेजों से मेरी कईयों से जानकारी है, बहुत अच्छे विद्वान है वो, उन्होंने मंत्रों के बीज मंत्रों के रहस्यों को बहुत अच्छी तरह समझा है। कईयों ने मुझसे पूछा भी और मैंने भी उनको समझाया, क्योंकि बीज का मैं भी बहुत अच्छा मतलब जानकारी रखता हूँ माता रानी की कृपा से। बीज मंत्र की जानकारी तो आज से 25 साल पहले ही मैंने ले ली थी। खैर ये तो बहुत अब तो बहुत समय हो गया। हर बीज का एक रहस्य होता है, एक शब्द या एक अक्षर या एक मतलब जो होती मात्रा होती है वो बीज का हेर फेर कर देती है मंत्र में। हेरीम हेरलीम, इसमें अग्नि र लग गया, अग्नि तत्व आ गया, र अग्नि की तरह तेज हो जाएगा मंत्र, जरा सा मंत्र सर्वनाश कर सकता है जरा सा कड़ा। तो उस पदार्थ के जाने के बाद ब्रह्म तक, तब जाके वो आदमी की साधना वहाँ तक पहुँचती है ब्रह्म तक, तब वहाँ से उसका जो रिफ्लेक्शन होता है क्रिया की प्रतिक्रिया वो वहाँ से निकलती है उसकी 100 गुना होकर के, और आपकी मनोकामना के हिसाब से। आपने कभी देखा है कुछ आदमी लास्ट टाइम पर आके डगमगा जाते हैं साधना में, अरे यार इतना समय हो गया भाई, साला 90 दिन हो गया अभी तक कुछ मिला नहीं, साला 200 दिन हो गया, साला 3 साल हो गया अभी तक कुछ मिला ही नहीं, जबकि उनको मालूम नहीं है उनकी चीज़ धीरे 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 ब्रह्म की तरफ जा रही है। अगर वो उसको देख सकते ना तो कभी मंत्र को नहीं रोकते, धुआंधार करते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जय मार जय राम जय राम जय, ऐसे करते। वो देख नहीं सकते भाई, उसको नहीं महसूस कर सकते। बहुत रहस्य है मित्रों, बहुत अच्छी जानकारी दूंगा, चिंता मत करो, बहुत जानकारी पड़ी है। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता, नहीं तो मैं 10 वीडियो भी रोज़ बनाऊँ ना तो अभी शायद सैकड़ों सालों में ये जानकारी ख़त्म नहीं होगी। 50,000 मंत्र तो मैं कंठस्थ खुद किए बैठा हूँ माता रानी कृपा से, नहीं तो आदमी इतना कंठस्थ नहीं कर सकता। तो मित्रों यही एक ऐसी मतलब वो है। और आपको मैं हनुमान जी का एक बहुत जोर का अति प्रचंड सावर मंत्र दे रहा हूँ, वो जो मंत्र खुद सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें इस मंत्र को कोई भी और नहीं कर पाएगा, उल्टा सीधा कर्म करने वाला, ये मेरी आन लग रही है इस मंत्र में, मेरे गुरु ठाकुर बाबा की आन है, बहुत तगड़े हैं वो, 24 सिद्धों पे एक सिद्ध हैं वो। तो मित्र तो मैं इसको आपको थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहता हूँ, और इसको इसको संकट मोचन मंत्री कहा जाता है। और इस मंत्र की एक खासियत हो गई, इस मंत्र से आप किसी भी दूसरे देवता को ही बुला सकते हो अपने पास बांध करके, लेकिन करना मत ऐसा, ताकत मत लगा दे रहा बच्चू, आवाज़ निकल जाएगी, पहले रक्षा ज़रूरी है, पहले पूरा सीखो। तो मित्रों मंत्र ये साबरी है, साबरी विद्या का प्रचंड मंत्र है। पहले राम जी का ध्यान होगा, राम 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 राम। और अगर इसमें और ध्यान बढ़ाना चाहते हैं, इस मंत्र में और ताकत तुरंत ऊर्जा प्रकट करना चाहते हैं भयंकर वाली,
तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बैठिए आसन पर, दोनों नाकों से, आपको ये नहीं करना अनुलोम विलोम या प्राणायाम नहीं करना, दोनों नाकों से फिर शांति से बैठ जाना है, प्रकृति मध्य में ध्यान लगाना है, एक मध्यम लंबी नहीं मध्यम सांस खींचनी है, फिर ओम का शुद्ध उच्चारण लयबद्ध और एकाग्रता के साथ ओ मैं बहुत लंबा कर सकता हूँ इसको, मगर मुझे वीडियो बनाना है इसलिए नहीं कर रहा बहुत लंबा। हाँ, तो इसको करना है आपको 3 बार, फिर ओम राम 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 राम, जितना हो सके करीब करीब 3 मिनट तक, जितना भी 3 मिनट में हो जाए, मुझे मालूम है 1000 के आसपास हो जाएगा, अगर बहुत जल्दी जल्दी करोगे वैसे 500 तो हो ही जाता है। फिर मंत्र अपना हनुमान जी का ध्यान करके, हे भगवान हे संकटहरण भगवान प्रभु, मंगल भवन मंगल हरि द्रभो शुद्ध अजर बिहारी दीन दयाल बिरत संभारी हरो नाथ मम संकटहारी कह करके मंत्र आप डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, यहीं लिखिए आप मंत्र जी, ठीक है। सत नमो आदेश श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश, गुरुजी हो हनुमंत वीर बस्ती नगरी कल करता जे हूँ कहूँ ते हूँ जे हूँ मांगूँ, जो न करावे तो माता गौरा पार्वती देवी की सैया पे पांव धरे मत सैया मतलब बिस्तर पांव धरे, सतवंती माता सीता देवी का कंगन तोड़े, माता अंजनी का पिया दूध हराम करे, नेलती खेलती की बाचा चूके तो गौतम रूखे सर का कमंडल पानी सूखे, चलो मंत्र गौतमी का वाचा सत्य नाम आदेश गुरु को, ठीक है साहब। इस मंत्र को एक बहुत अच्छे संत हैं, वो तांत्रिक नहीं है मांत्रिक नहीं संत हैं, उन्होंने दिया था और उनने इस मंत्र का तत्काल चमत्कार भी दिखाया था मुझे, वो है यहाँ पे नहीं बता सकता मैं। और इसको बताने के बाद उन्होंने कहा था बेटा इस मंत्र को करने के बाद केवल एक माला 108 बार जाप करना है सिद्ध हो जाएगा, कोई प्रयोग करने की कोई चीज़ उपाय या हवन करने की ज़रूरत नहीं होती है, स्वयं सिद्ध है जी, बस आपको अपने अंदर इसको मतलब वो करना है ना स्थापित, इसलिए 108 किया जाता है, बाकी तो ये वैसे ही सिद्ध है, 3 बार पढ़ते ही इसको चमत्कार मार सकते हैं आप, अगर आपको कंठस्थ हो जाए तो ये कंठस्थ कर लीजिए इसे अच्छी तरह से। मंत्र आपत्ति में कब काम आता है, जब वो आपकी आत्मा से अपने आप निकलने लग जाए। मैं रात में सोता रहता था, मुझे कोई भयानक सपना आता था, क्योंकि जब साधना करने वाले होते हैं ना तो उनको सपने भी बड़े कर रहे आते हैं भाई साहब, आसान नहीं होती है, सब लोग जानते होंगे जो भी हम यहाँ पूजा कर रहे होंगे तंत्र मंत्र मेरा, सबको बड़े विचित्र विचित्र अनुभव हो रहे होंगे। एक छाया जो छाया पुरुष की सिद्धि कर रहे हैं मित्र, उनको बता देना चाहता हूँ उनको हनुमान जी का मंत्र नहीं करना है भाई, हनुमान जी के मारे तो अच्छे अच्छे छाया पुरुष गायब हो जाते हैं, थोड़े दिन रोके रखो बाबा। हनुमान जी का मंत्र वो कोई ना करे जो भूत प्रसाद चंद की सिद्धि करना चाहता है भाई, वो सिद्धियाँ मैं देता नहीं, मैं तो अच्छी सिद्धियाँ ही दूंगा आपको, मैं नहीं चाहता आपका नुकसान हो, नहीं तो सिद्धियाँ तो मैं ऐसी दे दूँ कि अभी आप करो तो तुरंत आपके पीछे 2-3 भूत चुपके चले आए, शमशान का क्रिया होती है वो मसानी में। तो मित्रों इसको आप करने के बाद, जैसे कोई परेशान व्यक्ति है, कोई बीमार है, कहीं भी हो सकता है, वो आपकी फैमिली में भी हो सकता है, तो आप उसको ये मंत्र 3 बार पढ़ के
और मेरा चेहरा ध्यान रखना मित्रों, क्योंकि जो मंत्र गुरु देता है ना उसका चेहरा ध्यान रखा जाता है। ये मंत्र आपको बहुत जगह मिल जाएगा, नेट पे भी होगा, क्योंकि सब इधर उधर किताबों से लेके डाल देते हैं। ये ज़्यादातर मंत्र किताब में होते हैं, जो पहले दिया था वो वाला नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। तो इनको ऐसे करके सिद्ध करके और आप उसको कंधे पे यूँ हाथ मार दो, मेरा चेहरा ध्यान रखना, हाथ मारते समय सही हो जाएगा व्यक्ति। और ये अनुभव तो अब कई लोग कर चुके हैं, आप लोगों में से कई लोगों ने बताया है भाई कि मेरा नाम ले करके ध्यान करके और वो थपथपा देते हैं, तो कोई भी हो उनका घर का भाई या हस्बैंड या पत्नी या बच्चा कोई भी हो सही हो जाता है उस समय, तत्काल उसको आराम हो जाता है थोड़ी देर बाद ही। तो मित्रों ये माता रानी कृपा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बस आपका मित्र हूँ। तो आप ऐसे करें और आप इसको बताएं मुझे, ये हनुमान जी का आप जरूर कर लें, जीवन भर रक्षा में काम आएगा, हर चीज़ में काम आता है ये प्रयोग। इसका मुझसे बाद में पूछ सकते हैं कभी भी, बाकी ये हर चीज़ में काम आएगा। सही है साहब, गुरु श्री, चलो इसी बात पे विदा लेते हैं अब तो, अब जाने का मन कर रहा है जी। श्री गुरु शरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, वर्ण और रघुवर विमल दस विमल जस दायक फलचारी। जय हो भैया, मुझे बड़ा मत मानो, बड़े बड़ाई ना करें और बड़े ना बोलें बोल, मैं बड़ा नहीं बोलता। जय माता रानी।